श्री रामोतार जी बैरवा चाकसू, श्री राधेश्याम जी बैरवा बारा और श्री विक्रम बंसीवाल जी सिकराय से एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ दिवंगत के परिजनों के साथ इस प्रकरण में राज्य सरकार के निर्णय लिए हैं कि श्री दिनेश एमएन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके एक माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोठवाल, जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है, को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा तथा इसकी शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के द्वारा वहन की जाएगी। परिवार द्वारा पार्थिव शरीर का पंचनामा, पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्रवाई आज ही पूर्ण कर ली जाएगी। श्री अनिल शर्मा एवं श्री जगदीश व्यास आरपीएस को एपीओ किया जाएगा। श्री आशुतोष सिंह को उपनिरीक्षक को निलंबित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी अगर बाबूलाल बैरवा के जो मृत्यु का कारण रहे हैं और अपराधी हैं, निश्चित रूप से कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिनका नाम है अगर वो कहीं भी अपराध में शामिल नहीं है तो उनको दोषी नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका से सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी है काम करेंगे, निश्चित रूप से बिल्कुल उनको न्याय दिलाने का काम।